मेरे पापा गाड़ी नहीं भगाना सिग्नल जल्दी ले लो जल्दी से ले लो सिग्नल चल गया थैंक यू क्या बोल दिया बाय थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू को मेरे फेवरेट मुझे फिर मिल गए फ्रेंड्स हाय करो हाय क्या नाम है आपका मैडम चंदा हमारे YouTube पे चैनल है वॉच करना इट्स ओके ओमिराज ठीक है प्लीज गिव मी 500 रुपीज बबलू इतने तो हमारी कमाई भी नहीं है बताओ हां प्लीज बबलू रिक्वेस्ट कर रही हूं चेंज है नासिर भाई चेंज नहीं 500 लेके जाऊंगी बबलू आपकी बर्थडे है बर्थडे है मैं पैदा नहीं हुआ शादी नहीं शादी पे देंगे अपनी फियोंसी के सर का सदका दे दे चिंटू के पापा गाड़ी नहीं भगाना जल्दी से ले लो सिग्नल चल गया अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं पूरी रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए और मुझे भूख बहुत लग रही है पता नहीं कुछ हल्का फुल्का खाऊंगी अच्छा हम ही नहीं खाएगी और क्या कहाँ जगह मिलती है आज तो वैसे भी वीकेंड है क्यों लगी होगी ना क्यों लगी होगी नहीं क्यों क्यों हम उनको बोलते हैं इतना है जल्दी निकलते ना नहीं लेकिन वहाँ चलते क्यों तो लगी हो चले तो बाजी हेलो करो बाजी हेलो लिफ्ट ऐसी ये बंदा कहीं भी टक्कर मार रहे समझ ही ना लगे नहीं आप मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे ये बताओ अभी तो हम सीधे खड़े हैं हमें इतना पता कि हाँ मेरा जाना है भाई जल्दी तो टक्कर लग गया आ चुके हैं और ऊपर से बैठ गए हैं और लास्ट में मैं और बेबी यहीं बैठे थे तो इनका कभी मैंने नाम नहीं लिया मैं यही बोलती हूँ और सब लोग मुझे लास्ट टाइम भी बोल रहे थे कि तुम बिट्टी की तरह शुरू हो गई है वो तो हम जो हैं सबके सामने ही है देर इज़ नो एनी टाइप ऑफ फेक तो कोशिश यही होती है कि हम हर एक चीज़ अपनी दिल से करते हैं आप लोगों के लिए और भाजी लोग भी सब बैठे हुए हेलो थैंक यू सो मच भाई कोई बात नहीं ये तो भाइयों का हक होता है हाँ भाइयों का हक भी है और कोई बात नहीं और आज का खैर वैसे भी छुट्टी थी तो छुट्टी में छुट्टी स्पेशल छुट्टी इन्होंने हमारे लिए ली है भाजी से देख लेते छुट्टी नहीं थी इनकी इन्होंने हमारे लिए की है और खैर कोई बात नहीं तो क्या खाओगे भैया जो बहन भाई मंगवा लेंगे ठीक है अब बर्थडे बॉय से पूछते हैं बर्थडे बॉय क्या खाओगे आप मैं तो यही बोलूँगा इन्होंने हमारे हेल्प बहुत की है और इस टाइम ये जो मंगवाएंगे हम वही खाएंगे बिकॉज खाने का तो मैं क्या ऑर्डर करूँगी आप सबको तो पता है हाँ तो इन्होंने तो चाउमीन मंचूरियन यही है बस और कुछ हमारे पास नहीं है खाने को यही है पूरे रेस्टोरेंट में जो ये मंगवाती है जी चलते हैं फिर ऑर्डर की तरह हम लोगों ने कर दिया ऑर्डर और कल तक तो ये वीडियो मतलब अगले दिन वीडियो ये अपलोड होगी नेक्स्ट डे अपलोड होगी तो सबके सबका बहुत थैंक्स और मुझे नहीं पता कितने व्यूज आते हैं क्या कमेंट्स आते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं आते ये नेक्स्ट डे वीडियो हमारी जाएगी लेकिन हम एक टारगेट रखते हैं वो बैक वाली मतलब कि इस वाली वीडियो पे भी हम टारगेट रखते हैं कि हमें चाहिए कितने 5000 लाइक बस 5000 लाइक करा दें यही बोलते हैं हमारे लिए क्या बोलते हैं देखो 5000 लाइक चाहिए खुदा की मर्जी है ठीक है आप भी लाइक का टारगेट है और मेरा तो आप छोड़ो मेरा कह रहे हैं लेकिन आपके 5000 लाइक चाहिए 5 से 7000 ठीक है इंशाल्लाह तो खाना हम लोगों ने कर दिया है ऑर्डर और आज हम लोगों ने एक नई चीज़ ऑर्डर की है तो एक ही नई चीज़ है बाकी खाते नहीं एक और भी नई चीज़ है चिकन में भी हमने चेंज किया हाँ वो लेकिन हमने एक दफ़ा फूडिंग से खाया उसे कॉटन पैसे से और आज डेट की 26 ना हाँ आज की डेट कैसे बोल सकती हूँ मैं तो नेक्स्ट वीक 27 हो गया पर दिसंबर के स्टार्टिंग में इनकी हम करेंगे शॉपिंग और हम भी इनकी भी करेंगे क्रिसमस की भी और मैं करूँगा इनकी मेरी की शॉपिंग तो आप आपने क्या ऐसे ही लेना है
क्या क्रिसमस का नहीं लेना तो सामान? तो वो घर वाले लेकर आएंगे ना आपकी शॉपिंग करने? लेकिन कुछ कुछ तो मम्मी मम्मा लोग लेकर आएंगे ना, तो मैंने तो मैंने करनी है। हम दोनों मिलके जाएंगे। ठीक है। और ये इयररिंग्स बताना कैसे लगे? गुच्ची अच्छे लगे हैं। और सब मुझे बोले तुम्हारे बाल लंबे हो गए, कटवाना नहीं? नहीं, मैं इनको हेयर से मना करता हूं, क्योंकि इनको अभी लंबे बाल पसंद है। मुझे लंबे हेयर पसंद है, मैं बोलता नहीं कटवाना। ठीक है, फिर खाने आ जाओ, फिर स्टार्ट करें। भूख लगी सर? कितनी भूख लगी आपको? सर के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इसको बहुत भूख लगी। नहीं, मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है। हाँ सर, बर्थडे पार्टी कैसे लगे? मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन भी की। चलो सर का बर्थडे बहुत लेट आई। तो ऑर्गेनाइजर मैं थी, तो ऑर्गेनाइजर को हर चीज़ लगे रहना पड़ता है। हमारा आ चुका है और मेरे वन ऑफ माय फेवरेट, और यहाँ इनका भी व्लॉग बन रहा है, और ये हमने मंगवाई है पेशाबी कढ़ाई स्पाइसी वाली, और वन ऑफ द फेवरेट गार्लिक नान साथ में। जी जी, थैनियल सब में बोटी है, और साथ में हमने वो मंगवाए हैं कबाब भी, उसे लंबे वाले होते हैं, क्या नाम है उनका? अच्छा, तो मैं कोशिश करती हूँ अपन अच्छा से चबाती है। कबाब अभी नहीं आए शायद ना? नहीं, उसमें चबाती है। ले डाल रही है खाना, क्योंकि ये पहले खुद नहीं खाते, पहले मुझे मतलब ये देती है, फिर हम एक ही प्लेट में खाते हैं ना। माशाल्लाह से माशाल्लाह। सो खाना तो ये तो हमारी फेवरेट है, इनकी फेवरेट है। खुदा का कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो इनको ही पसंद है। हाँ, चॉइस सेम सेम। और ये पेशावरी कढ़ाई, और अभी कबाब आ रहे हैं। कबाब आ गए? सो आ गए, कहाँ पे? उनके अच्छा वो चप्पल उसके अंदर होगी। ठीक है, सो खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। वो खाने लगे, मेरी वीडियो मत बनाओ, आपकी बनाऊंगी, क्यों ना बनाऊं मैं। कैसा लगा? तो हम जब भी खाना खाते सबसे पहले यही खाते हैं, मज़े के। और सर खा रही हूँ यहाँ पे गार्लिक नान, आप सब भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई आपने क्या लिया है? कबाब, कबाब और गार्लिक नान। तो ठीक है, फिर मैं भी खाती हूँ। बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो अभी इनको कर दी हमने ड्रॉप, और अभी हमें भाई ड्रॉप करेंगे। तो सर कैसा रहा आज का दिन? हाँ, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स से? मैं क्या बोलूँ, बस अभी घर पे जा रहे हैं, तो घर पे भी गिफ्ट्स आए हुए हमारे लिए, तो मैंने कहा मम्मी आएगी फिर ओपन। किसने दिए? वो ही बेकरीज वाली शॉप ने मेरे लिए भी। हाँ। ओह माय गॉड, तुम अभी बता रही हो, कितने चलाक हो। सरप्राइज। तो वो आप वीडियो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और सबका बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने इतने अच्छे कमेंट किए, और उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि कल तुम बहुत बीमार थी। वो बीमार मैं अभी भी हूँ, और मेरी चेस्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक और चावल तो सख्ती से बनाए, क्योंकि बोला आपके लिए जहर है, बिल्कुल भी नहीं आपने खाने, क्योंकि मेरी पूरी चेस्ट ब्लॉक हो चुकी हुई है, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी है, जो 4 दिन का कोर्स है वो खाना, उसमें दोबारा उन्होंने बुलाया है। और मैं आप सबको बस बोलूँगी कि मुझे डॉक्टर ने ऑपरेट के भी बोला है, जहाँ मैं उस दिन गई थी, क्योंकि मेरी इस तरफ दोनों तरफ ब्रेस्ट में गिल्टियाँ हैं, तो मुझे उसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। तो काफ़ी टाइम से ये बहुत थोड़ी थोड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है। तो मैं कल बताना भूल गई थी, काफ़ी बीमार थी, मेरे जहन से ये बात निकल गई थी, मैंने बाद में टाइटल डाला। तो ऐसी बात नहीं है कि यार कि मैं जानबूझ के ड्रामे करती हूँ, ऐसा कुछ भी है कि नहीं, अंदर से इंसान बीमार होता है, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं कुछ भी है, तो जाहिर सी मतलब किसी का दिन तो नहीं ख़राब कर सकते अपनी वजह से, या अपनी बीमारी में किसी का डे ख़राब नहीं कर सकते थे। तो वो तो एक मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास इंसान है, जिसको मैंने इतने मन तो दुआओं के बाद मांगा है, और अल्लाह ताला हर किसी की जोड़ी सलामत रखे, हर किसी का प्यार उसे मिले। और वहाँ का आवर्स बहुत कम थे, तो इसी वजह से जो है ना मुझे स्पेशली करवाना था प्रोमो शूट, तो इस वजह से मैंने जल्दी हर एक चीज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवर कम था, 2 घंटे का टाइम दिया हुआ
दो घंटे के लिए कैफे करवाया था और 2 आवर्स का टाइम था, उसके बाद किसी और की पार्टी थी वहाँ बर्थडे की, इसलिए जो है ना भाभी लोग थोड़ा वो सभा को लेने गए थे तो आते हुए थोड़ा लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से भी, और काफ़ी दूर है डिफेंस की साइड पे था तो मैं कुरंगी गई हुई थी वहाँ पे, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गए और सभा घर पे थी इसलिए। तो वैसे तो मुझे एक रीज़न नहीं बताने पड़ते लेकिन उसे कमेंट्स आते हैं इसकी वजह से बताना पड़ जाता है। तो बाकी आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, हम लोगों ने इतने प्यारे कमेंट्स किए, बस हमेशा दुआ में याद रखना। और मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है, मैं किसी के लिए कभी मैंने गलत नहीं चाहा, तो मैं हर किसी के लिए बहुत दिल से करती हूँ, और इवन मेरी ज़िंदगी में जितने लोग हैं मैं दिल से मोहब्बत करती हूँ उनसे, बहुत मखलूस इंसान हूँ मैं, मुझे किसी से भी कोई लालच नहीं है। तो बाकी हम लोग करने वाले हैं मंडे को सोनिया भाभी का शूट फाइनली, और मंडे को हम करेंगे शूट तो सोनिया भाभी लोग आएंगे। तो बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।